गाइस, आज हम चल रहे हैं रामनगर की यात्रा पर। वहाँ पर महाभारत के ज़माने का बहुत पुराना किला मौजूद है और साथ में भीम की गदा भी मौजूद है, जो आज के समय में भी वहीं की वहीं स्थित है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं महाभारत की कुछ प्राचीनतम चीज़ों को दिखाने के लिए। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पीपल्स वॉइस पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, हमेशा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देंगे। अब हम निकल रहे हैं अपने गांव से। ये देखिए आप लोग, मेरा गांव काफ़ी अच्छा गांव है, ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ लोग बहुत ही अच्छे हैं मेरे गांव के। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि मेरे गांव का जो सामने आप हनुमान मंदिर देख पा रहे हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मेरे गांव की श्रद्धा का प्रतीक है और सभी लोग मेरे गांव में बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं। अब हम रोड पर आ चुके हैं और अब हमारे लिए यहां से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर होगा रामनगर। आज हम रामनगर की यात्रा करेंगे, तो गाइस सभी लोग मेरे साथ बने रहें। इस यात्रा का मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं लोगों को अपने स्मार्ट गांव से एक स्मार्ट तीर्थ स्थल की यात्रा कराना चाहता हूं। ये दोनों जगह इतनी स्मार्ट है, जिस तरह स्मार्ट मेरा गांव है, ये उससे भी 100 गुनी ज़्यादा स्मार्ट तीर्थ स्थल यात्रा है। तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहें और आनंद लें इस यात्रा का। इस यात्रा में आपको उतना ही सुख और आनंद मिलेगा जितना सुख और आनंद आपको सार्वजनिक शौचालय में अपना नाम और दूसरे का मोबाइल नंबर लिखने से मिलता है। आपको उसी आनंद की अनुभूति होगी। चिंता ना करें, मैं आपको इस सफ़र में बोर नहीं करने वाला, आपको इस सफ़र का सच में ही बहुत आनंद आएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब हम निकल चुके हैं, थोड़ी दूर आगे एक कस्बा है जिसका नाम अलीगंज है, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ उस जगह के बारे में। आई क्षेत्र में कई संस्कृतियों का समय समय पर समावेश रहा। यहाँ राजा द्रौपद का किला था और अज्ञातवास के दौरान पांडव आंवला के जंगलों में रहे थे। समीप में लीलौर झील है जिसके किनारे पांडवों से यक्ष ने प्रश्न किए। वहीं गुरु द्रोणाचार्य का बसाया हुआ गांव गुरुग्राम है, जिसे ग्रामीण गुरगामा के नाम से भी जानते हैं। कई बार यहाँ खुदाई भी हो चुकी है और चीनी दार्शनिक ह्वेनसांग ने अपने भ्रमण में इसका उल्लेख भी किया है। यहाँ गौतम बुद्ध ने प्रवास किया। नागवंश के अंतिम शासक अच्युत नाग और उसकी प्रजा को उपदेश भी दिए। इसी क्षेत्र में जैन धर्म के 23वें तीर्थांकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। महाभारत कालीन इतिहास को समेटे आंवला के रामनगर में शिव पार्वती की बेशकीमती पौराणिक प्रतिमा मिली थी, जिसे एक ग्रामीण के द्वारा बेच दिया गया। मीलों में फैले रामनगर किला के खंडर की मिट्टी में बारिश के दौरान मिट्टी खिसकी तो प्रतिमा बाहर निकल आई। किसान ने इसे देख लिया, प्रतिमा निकालकर व्यापारी के पास ले गया और चंद रुपयों में बेच दी। पूरे रामनगर क्षेत्र में इसकी चर्चा होती रही, मगर जिस पुरातत्व विभाग के पास इस क्षेत्र के संरक्षण की जिम्मेदारी है, उसने कोई सुध नहीं ली। रामनगर किला क्षेत्र ऐतिहासिकता को समेटे हुए है। क्षेत्र में महाभारत कालीन होने और पांडवों की मौजूद होने के प्रमाण मिलते रहते हैं, जिसके बाद इसे पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन ले लिया था। देखरेख के लिए चौकीदार रखा गया, मगर उसका ऐतिहासिक धरोहरों को बचा पाना संभव नहीं हो सका। क्षेत्र के पास किसान व चरवाहे किले के खंडरों में अपने पशु चराते रहते हैं। बरसात के दिनों में मिट्टी बहने के कारण अक्सर ही चरवाहों को प्राचीन मूर्तियां, प्राचीन कालीन सिक्के, नगीने पत्थर आदि मिलते रहते हैं और जानकार यहां आकर उन्हें खरीद ले जाते हैं। पुरातत्व विभाग की लापरवाही के चलते पांडव काल की यह निशानी अब धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है और इस पौराणिक ज़मीन पर खेती करना शुरू कर दिया है। रामनगर में पौराणिक वस्तुएं
प्रतिमाएं बड़ी संख्या में पहले भी मिलती रही हैं। 12वीं शताब्दी में रामनगर क्षेत्र में शहर था जो कि धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। रोहिलखंड नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करने से पहले बरेली समेत आसपास का बड़ा परिक्षेत्र प्राचीन काल में पांचाल राज्य हुआ करता था। द्रौपदी इसी राज्य की राजकुमारी थी। तो गाइस अब हम अलीगंज पहुंच चुके हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूर अलीगंज है। अलीगंज के बाद हमें यहाँ से गौरी शंकर गुलड़िया को निकलना होगा जहाँ पर भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन हम उस मंदिर के दर्शन लौट कर करेंगे। पहले हम अलीगंज से निकलते हुए सीधे रामनगर किले पर जाएंगे। आप देखिए कि अलीगंज का दृश्य कितना सुंदर है, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, ये बहुत ही विशाल है। यहाँ की मार्केट भी काफ़ी अच्छी है, मैं अपना ज़्यादातर सामान यहीं की मार्केट से ख़रीदता हूँ। अब हम मार्केट में प्रवेश करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ एक बहुत ही अच्छी मार्केट है और अब हम यहाँ से निकलेंगे। देख रहे हैं इलेक्शन का समय है तो जगह जगह पोस्टर तो लगे ही रहते हैं और हर जगह ही आपको ये मिल जाएंगे। देखिए ये बस भी गौरी शंकर गुलरिया तक जाती है, इस बस में बैठकर आप गुलरिया तक जा सकते हैं, सिरौली तक भी जा सकते हैं। यह रोड रामपुर मुरादाबाद के लिए जाता है। अब हम इसी रोड पर आगे बढ़ेंगे और आगे तो चलिए और जानकारी जुटाते हैं उस किले के बारे में। अहचत्र एक ऐसी जगह है जहां सदियों पहले उल्लास, उमंग, ऐश्वर्य और वैभव के हजारों रंग बिखरे थे। जहां धन संपदा की चमक से यह नगर अन्य समकालीन राज्यों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जिसके गौरवशाली अतीत का अनुमान आज यहां अवस्थित खंडरों को देखकर भी लगाया जा सकता है। बरेली के आंवला स्टेशन से कोई 10 किलोमीटर उत्तर में प्राचीन अहचत्र के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ब्रिटिश काल में इन टीलों की खुदाई के बाद चमत्कृत कर देने वाला इतिहास सामने आया। आइए जानते हैं अहचत्र के उस इतिहास को जिसे रोहिलखंड की धरती अपने में संजोए हुए है। रोहिलखंड नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करने से पहले बरेली समेत आसपास का बड़ा परिक्षेत्र प्राचीन काल में पांचाल राज्य हुआ करता था। महाभारत में अहचत्र पांचाल नामक राज्य की राजधानी रहा। द्रौपदी इसी राज्य की राजकुमारी थी। पांचाल जनपद का प्रमाणिक इतिहास ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से मिलता है, तब यह 16 जनपदों में से एक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और उसके बाद 11वीं सदी में आए अल बरूनी ने भी अहचत्र का उल्लेख एक वैभवशाली नगर के रूप में किया है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल जिले का दक्षिणी भाग उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं तथा शाहजहाँपुर का पूर्वी भाग तथा गंगा पार के इलाका मैनपुरी, फर्रुखाबाद एवं एटा का दक्षिण भाग प्राचीन काल में एक राज्य अथवा प्रदेश था। यह पांचाल नाम से विख्यात था। इसकी राजधानी अहचत्र थी। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों, जैन एवं बौद्ध जातकों में अहचत्र एवं पांचाल के अनेकों प्रसंगों का उल्लेख है। महाभारत काल में द्रुपद उत्तर पांचाल, जिसे आज हम अहचत्र कहते हैं, एवं दक्षिण पांचाल जिसे कांपिल, दोनों के राजा थे। उनकी पुत्री द्रौपदी जो पांचाली कहलाईं, उनका जन्म अहचत्र में हुआ था और विवाह कांपिल में। यहाँ पर एक पांडवकालीन किला भी मौजूद है। महाभारत की एक कथा के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को परास्त किया और आधे अहचत्र के शासक बने। हालांकि उनका राज कौरवों ने ही चलाया था। द्रोणाचार्य तो सदा हस्तिनापुर में ही बने रहे। कौरवों पांडवों का यहाँ अधिकार होने के कारण अहचत्र का किला पांडवकालीन किला कहलाया। यहाँ पर जैन अनुयायियों का भी तीर्थ है। जैन धर्म के अनुसार मान्यता है कि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को अहचत्र में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ जैन अनुयायियों का बड़ा तीर्थ भी है। 200 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक अहचत्र पर गुप्तपाल एवं सेन राजाओं का शासन रहा। 50 ईस्वी से 250 ईस्वी तक अहचत्र के शासक मित्र वंशीय राजा रहे। इनमें अग्निमित्र,
एवं भानुमित्र के सिक्के अयक्षत्र में मिलते हैं। 200 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक अयक्षत्र की बहुत बड़ी उन्नति हुई। यहाँ का व्यापार, उद्योग, सभ्यता एवं संस्कृति चरम पर थी। इसके पश्चात नागवंश का अयक्षत्र पर राज्य रहा। 200 वर्ष से अधिक अयक्षत्र मगध के गुप्त साम्राज्य के अधीन था और उसके बाद वर्धन साम्राज्य के अधीन रहा। 8वीं से 11वीं सदी तक अयक्षत्र पर तोमर व राष्ट्रकूट राजाओं का शासन था। अयक्षत्र महानगर इस काल में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। बदायूं पर तुर्कों का अधिकार होने के बाद अयक्षत्र का पतन प्रारंभ हो गया। अयक्षत्र अपने समय का प्रसिद्ध व्यवसायिक नगर था। यह काशी, पाटलिपुत्र, कौसाम्बी, मथुरा एवं तक्षशिला से जुड़ा था। यहाँ माला के मनके, हाथी दांत की गुड़िया एवं खिलौने विशेष रूप से बनाए जाते थे। स्त्रियों द्वारा श्रृंगार एवं साज सज्जा यहाँ की प्रसिद्ध थी। यहाँ के कवि श्रेष्ठ कविता की रचना किया करते थे। नाट्यकला एवं रंगमंच का भी यहाँ पर विकास हुआ था। यहाँ के परिधान पूरे देश में प्रसिद्ध थे तथा अन्य क्षेत्रों के निवासी इनको अपनाते थे। महाराजा हर्ष के समय में 7वीं शताब्दी में अयक्षत्र कन्नौज साम्राज्य का अंग था। उस काल में चीनी यात्री हेंगसांग ने भारत का भ्रमण किया था। उस समय अयक्षत्र एक समृद्धशाली नगर था। वह यहाँ भी आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ का वर्णन किया है। उसके अनुसार अयक्षत्र एक वैभवशाली नगर था। उसके विवरण के अनुसार यह नगर 5.6 किलोमीटर में फैला हुआ था। जिस प्रदेश की राजधानी का यह नगर था उसका विस्तार ह्वेनसांग ने 960 किलोमीटर लिखा है। यहाँ के निवासियों को उसने सत्यनिष्ठ लिखा है। उन्हें धर्म और विद्यावास से बहुत प्रेम था। उस समय अयक्षत्र में 10 बौद्ध विहार और 9 देव मंदिर भी थे, जिनमें पाशुपत मत के मानने वाले 300 साधु रहते थे। प्राचीन काल से ही अयक्षत्र एक बड़ा शहर रहा, जिसका भव्य स्वरूप सदैव स्थापित रहा। पुरातत्वविदों के अनुसार यह नगर 5.6 किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका ईंटों का पराकोटा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके चारों ओर एक जलयुक्त खाई थी। चारों दिशाओं में दीवार के मध्य एक दरवाजा था, जिसे द्वार प्रकोष्ठ कह सकते हैं। बाहर से आने वालों को खाई पार करके द्वार तक पहुंचने के लिए पुलिया बनाई हुई थी। नगर के बाहर भी प्राचीन काल में भवन व आबादी थी, क्योंकि अयक्षत्र के किले के बाहर तथा आलमपुर, लक्ष्मीपुर, नुसरतगंज आदि ग्रामों में भी ऊंचे टीले अब भी पड़े हुए हैं। जगन्नाथपुर में भी एक झील का परकोटा तथा ईंटों के टीले मौजूद हैं। यह शहर ईंटों का शहर कहलाता है। यहाँ के भवनों में 16 इंच लंबी, 11 इंच चौड़ी और 3 इंच 2 सूत मोटी ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ ऐसी भी ईंटें मिली हैं जिन्हें तराशकर नक्काशीदार कलात्मक ढांचे में ढालकर बनाया जाता था। यहाँ पर अनेक सुंदर भवन बने थे। अयक्षत्र किले में कई खुदाइयाँ कराई गईं, उनसे अनेक बेशकीमती चीज़ें प्राप्त हुईं। इनमें प्रमुख रूप से मृण मूर्तियाँ, पाषाण मूर्तियाँ, फलक, मनके, शिलालेख, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएँ, ताम्रपत्र, मुद्रांक आदि हैं। खुदाइयों से प्राप्त सभी महत्वपूर्ण पुरातत्विक संपदा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय लखनऊ, आगरा, प्रयाग एवं मथुरा में संग्रहित है। इस नगर के खंडरों के बारे में अंग्रेज पुरातत्वविदों ने खोज की थी। सर्वप्रथम सन 1833 में हेडग्रान ने उसकी खुदाई करा के विभिन्न सामग्रियां प्राप्त की तथा इतिहास जानने का प्रयास किया। सर्वाधिक खुदाई तथा ऐतिहासिक अध्ययन 1862-63 में अंग्रेज विद्वान कनिंगम ने किया। उसने इसके प्रमुख टीलों की जानकारी प्राप्त की। उसके बाद डॉक्टर फ्यूरर ने यहाँ खुदाई कराई तथा भारत के पुरातत्व विभाग ने 1949 से 1944 तक यहाँ का उत्खनन कराया। इन सभी के अथक प्रयासों से यहाँ से अनेक प्रकार की सामग्रियाँ मिली, जिनसे इतिहास का ज्ञान हुआ। अब हम आपको बताते हैं भीम की गदा के बारे में।
रामनगर के ग्राम से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर यह अवशेष बहुत ऊंचा है। इसके ऊपर एक सफ़ेद पत्थर नीचे से चौकोर एवं ऊपर से गोल आकृति का रखा हुआ है। इसे लोग भीम की गदा के नाम से पुकारते हैं, लेकिन देखने से यह गदा का रूप नहीं लगता। प्रसिद्ध उत्खननकर्ता कनिंगम ने इसे शिवलिंग का विखंडित रूप बताया है तथा इस स्थान का नाम भी भीम गजा ही प्रयोग किया है। किले के बाहर एक टीला है जो कि पिसनारी का छत्तर कहलाता है। इसके बारे में जनश्रुति है कि भीम जिस गदा को चलाते थे वह तो टीले के ऊपर रखी है तथा पांडवों को अन्न खिलाने वाली दासियां यहां पर रहती थीं। लेकिन सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का अवशेष है। बरेली के गजट लेखक नेविन ने गजेटियर में कहा है, अहिछत्र का किला पड़ोसी गांवों के लिए कभी समाप्त ना होने वाली ईंटों का भंडार रहा है। यही वजह रही है कि यहाँ के खंडहरों का संरक्षण नहीं किया जा सका। तो गाइस यही थी इसी जगह की कहानी। अब आप जान सकते हैं यह जगह कितनी महान रही होगी अपने समय में। यहाँ पर बड़े बड़े राजाओं ने भी राज किया और पांडवों ने भी यहाँ पर बहुत राज किया था। यहाँ पर उनके ज़माने के भी बहुत से अस्तित्व हैं। जो लोग यह कहते हैं कि महाभारत हुआ था या नहीं, या हमारे वेदों पर, हमारे पुराणों पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, यह उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। ऐसी जगहें आपको भारत में हर जगह मिल जाएंगी। भारत का कोना कोना हमारे धर्म के इतिहास से भरा पड़ा है। उन्हीं में से एक जगह आज हम जा रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे साथ साथ आप भी उस जगह के दर्शन कर पाएंगे। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर मैं मोबाइल का कैमरा यूज़ नहीं कर सकता, तो उन जगह की आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे आराम से मोबाइल और कैमरा का यूज़ हो जाएगा, तो उन जगहों के मैं आपको ज़रूर दर्शन करवाऊंगा। और वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कुआं भी है जिसकी बहुत खासियत है। वो कुआं गहरा भी बहुत है और कहते हैं कि उस कुएँ का पानी कभी भी ख़राब नहीं होता। आज तक भी लोग जब यहाँ दर्शन करने आते हैं तो उस कुएँ का पानी ज़रूर पीते हैं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। यह जगह इतनी ही सुंदर है। यहाँ पर हर तरीके की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन दुखद बात तो यह है कि हम जिस तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, अगर आप उसका नज़ारा देखेंगे तो शायद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमारी सरकारों ने वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियाँ खड़ी की हैं, हाईवे पे हाईवे बनवाए हैं और बिल्डिंगों का संरक्षण इतनी अच्छी तरह से किया है कि आप देखकर भौंचक्के रह जाएंगे। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से किया गया था वहाँ पे, और वो एक्सप्रेसवे भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हम गाड़ी से जा रहे हैं, तो उस एक्सप्रेसवे होके ही जाना पड़ेगा। किले तक पहुंचने का रास्ता ही एक्सप्रेसवे है। और ये मैं किसी एक प्रधानमंत्री के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं देश के हर उस प्रधानमंत्री महोदय से मेरा सवाल है जिन्होंने अभी तक देश पर राज किया। क्या हमारे पुरातत्व विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम इनका संरक्षण नहीं कर सकते? क्या ऐसे ही हमारी पुरातत्व विभाग कमज़ोर रहेगा और हर काम में ढील डालेगा? क्या हमारी पुरानी चीज़ें बर्बाद होती रहेंगी? क्या हमारी धर्म से जो भी चीज़ें जुड़ी हैं, जो पहले मुग़ल काल में नष्ट कर दी गई और अब जो बची कुची रह गई हैं, वो भगवान की दया से हमारी सरकारें नष्ट कर दे रही हैं? यही सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम जल्द ही गौरी शंकर गुललिया पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है। उस शिव मंदिर की खासियत यह है कि वहाँ पर रखा शिवलिंग हर वर्ष लगातार बढ़ता रहता है। और ये आज से नहीं है, मैं पैदा हुआ उससे पहले, यानी जब से मैं अपने बाबा से बातें करता था उस समय से ही सब लोग बताते हैं कि हाँ, ये शिवलिंग हर वर्ष बढ़ता है। ये सच भी है क्योंकि पहले भी मैं गया था और आज भी जाऊँगा, तो आप देखना कि कितना डिफरेंस है। ऐसी ही बहुत सी चीज़ों का उल्लेख हमारे यूपी में मिलता है
और जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ तो बहुत सारे राजाओं की आपने कहानी अभी सुनी। यह इतनी प्रसिद्ध जगह है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इसका विकास इस कदर किया गया है कि बस मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने देश की सरकारों को कि काश वो ऐसा ही विकास अपनी राजनीति में भी करें ताकि वो जल्दी से जल्दी खड्डे में चली जाएं यहाँ पर और रहकर समय नष्ट ना करें। वास्तव में इन लोगों ने हम धर्म के मानने वालों को इतना परेशान करके रखा है कि हम अपनी धार्मिक चीज़ों की यह हालत होते हुए भी तो नहीं देख सकते। सरकारी चीज़ अलग है, सरकार अलग है, वोट देना अलग है, लेकिन धार्मिक चीज़ों से खिलवाड़ होता देखना एक अलग बात है। हालांकि मैं भी सपोर्ट करता हूं किसी ना किसी को, लेकिन यहां पर तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, उन्होंने भी काम नहीं कराया तो क्या फिर कोई भी सरकार आके इसका काम ही नहीं कराएगी? ऐसे ही अब देखते हैं, अब हम बस थोड़ी दूर और चलेंगे, उसके बाद लेफ़्ट हैंड पे टर्न लिया जाएगा, फिर वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर रामनगर का किला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। आप देख रहे हैं दोनों तरफ कितना सुंदर दृश्य है। लोग भी यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ स्कूल कॉलेजेस भी हैं, रोड भी यह सही है, लेकिन जब हम किले की तरफ को निकलेंगे उस समय का रोड देखकर आप थोड़े हैरत में ज़रूर पड़ सकते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, जब हम किले के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले होंगे, करीब 2 किलोमीटर दूर, तब वो एक्सप्रेसवे पड़ेगा, उसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आप लाख लाख दुहाइयाँ देंगे हमारी सरकार को, हमारे सिस्टम को, यह हमारा सिस्टम है। और यही हाल हमारी सरकारों ने हमारे गांव और इस तीर्थ स्थल का कर रखा है। शायद ही आप पास पड़ोस में देखकर समझ ही रहे होंगे कि इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है। ये रोड भी जो अभी डबल रोड पर हम चल रहे हैं, ये अभी की सरकार में बना हुआ है। पहले ये सिंगल रोड हुआ करता था और हमेशा टूटा ही रहता था। उस समय इस रोड पर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी और हर जगह सिर्फ खड्डे ही खड्डे थे। कम से कम अब यह तो सुकून है कि यह रोड तो पड़ गया है। तो दोस्तों, अब हम गौरी शंकर गुलरिया के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको जल्द से जल्द ही रामनगर किले के दर्शन कराऊंगा। वहाँ आसपास बहुत बड़े एरिया में चारों तरफ आज भी छोटे छोटे पेड़ों के जंगल मौजूद हैं। जंगल देखने में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन यह खतरनाक भी हैं, इसलिए यहाँ कभी रात में ना आएं, ना शाम ढलने के बाद यहाँ पर रुकें। आप दिन में आएं, दर्शन करें और जाएं, क्योंकि जंगल में जंगली सियारों का आतंक हमेशा ही बना रहता है। अब बस हम लोग लेफ़्ट हैंड पे टर्न लेने ही वाले हैं। थोड़ी दूर आगे चल के लेफ़्ट हैंड टर्न होगा, उसके बाद हम रामनगर किले तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, जो भी आप मुझे मेरी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपके यहाँ की कोई ऐसी परेशानी हो या कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसका विकास सरकार के द्वारा नहीं कराया जा रहा हो। हालांकि मैं जानता हूं कि ये इतना बड़ा YouTube चैनल तो नहीं है जो यहां से आपकी मदद हो पाए, लेकिन हाँ, कम से कम 10-20-50 लोगों तक अपनी बात पहुंचेगी, तो वो 50 लोग भी 1-2 लोगों को बताएंगे, तब भी ये बात काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अभी मैंने नवदुर्गों के लिए अपने चैनल की तरफ से एक छोटी सी मुहिम चलाई है, जिसके तहत जिन परिवारों के पास खाना नहीं है उनको हम 5 किलो अनाज अपने चैनल की तरफ से भेंट करेंगे। और हमारे चैनल इससे किसी भी प्रकार की
किसी से कोई रकम नहीं मांगता है। यह मुहिम हमारी अपनी खुद की चलाई हुई है जो कि सीमित है, क्योंकि हमारे पास भी इतना बड़ा बजट नहीं है जो हम सबकी मदद कर पाएँ। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकेगा हम मदद ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको भी या आपके पास में पड़ोस में कोई ऐसा परिवार या कोई व्यक्ति रहता है जिसको खाने की ज़्यादा दिक्कत है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं, जल्द से जल्द उनकी मदद ज़रूर की जाएगी। तो अब हम यहाँ रुके हैं, हम यहाँ रास्ता पूछेंगे, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो मैंने सुन रखा है बहुत, मेरे घर के लोग, पड़ोस के लोग, यानी बहुत लोग जाते रहते हैं, तो मैंने उनके माध्यम से जो सुना था वही मैंने अभी तक आपको बताया है। तो बहुत ही अच्छी जगह है, और सबसे अच्छी जगह तो वैसे लीलौर झील है, जहाँ पर पांडवों से यक्ष ने प्रश्न किए थे और पांडव मृत होते गए थे। तो यह घटना काफ़ी पुरानी है, पांडवों के ज़माने की है, इस वजह से जो झील है वो काफ़ी बदतर हो गई है। और जब आप देखेंगे कि जब किले का ही यह हाल है, किले के आस पड़ोस का ये हाल है, तो इस झील के बारे में आखिर कौन सोचे। इसी वजह से वो झील आज तक ऐसी की ऐसी पड़ी है। और यहाँ के आस पड़ोस में एक नहीं, आपको हज़ारों इमारतें मिल जाएंगी जो पांडवों के ज़माने की हैं, लेकिन अफसोस उनमें से सिर्फ दो ही इमारतें आज बची हुई हैं, जिनमें एक का तो सरकार के द्वारा थोड़ा रखरखाव किया जा रहा है और दूसरी वैसी की वैसी ही खंडर है। उस एक का भी जो उत्थान किया गया है वो भी कुछ खास नहीं है, वहाँ भी सब ईंटें उखड़ी पड़ी हैं। और अब खुद ही देखेंगे जो भी हुआ है। तो चलिए थोड़ी देर और बोर हो लीजिए, बस अब हम थोड़े आगे से लेफ़्ट टर्न लेंगे, फिर हम बस अब आप देखिए विकास का असली रूप। और अभी तो ये कुछ हालत सही है, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे आप देखते जाएंगे सच में ही भारत की यह दशा देखकर उन लोगों को भी तो शर्म आ रही होगी जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। वो भी तो सोचते होंगे हमने किन लोगों के लिए बलिदान दे दिया, ये भी क्या चुनते हैं, हर जगह बस जातिवाद। चलिए फिलहाल हमें तो राजनीति नहीं करनी, हम तो अपने सफ़र की तरफ चलते हैं। बने रहिए मेरे साथ। अब आप देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट हैंड में जो भी ये जिस जगह भी हम चल रहे हैं, ये सब उस ज़माने का पांडवों का ही राज हुआ करता था। और अब यहाँ पे इन लोगों ने खेती बेती शुरू कर दी है, तो जहाँ मेन किला भी है वहाँ भी लोग खेती ही कर रहे हैं, यानी कुल मिला के पुरानी सभ्यता को नष्ट ही किया जा रहा है, और यह बहुत ही दुखद घटना है। तो इस आप चारों तरफ देखिए, जिस तरफ भी आप देखेंगे ये सब पांडवों का राज्य था। यहाँ पर कुछ समय के लिए पांडवों ने अज्ञातवास भी बिताया था, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है। यहाँ पर लोगों को बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, उम्मीद है शायद हम भी कोई सिक्का ढूंढ लें या हमें भी मिल जाए। चलिए देखते हैं जाके कैसा है कैसा नहीं, जो सुना है उससे कुछ बेहतर हुआ है या आज भी वैसा का वैसा ही है। चलिए चल रहे हैं आगे, आप देख रहे हैं चारों तरफ खेती ही खेती है। किसी ज़माने में ये एक बहुत ही आलीशान राज्य हुआ करता था। इस राज्य के चर्चे देश में हर जगह थे, क्योंकि इस राज्य का अब हम जिधर से जा रहे हैं बस थोड़ी दूर और है,
तो हम बात ख़त्म नहीं कर पाए थे। इस राज्य का जो अभिलेख मिलता है वो हमारे कई ग्रंथों में और महाकाव्यों में भी है। उस समय के कवि काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं हमारे यहाँ, और यहाँ पर बहुत खोज हुई है, खुदाई भी हुई है, जिनसे कि हमें पुरानी चीज़ों के बारे में पता चला। लेकिन वो खुदाई जो हमारी सरकार ने करवाई है सिर्फ उनसे, ना कि जो मुग़लों ने कराई थी उनसे। मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने तो यहाँ खुदाई सिर्फ लूटने के मकसद से कराई थी। उनका हमारे इतिहास को जानने में ऐसा कोई रुचि नहीं थी। तो ये तो आप पहले से ही जानते हैं, पहले भी हर जगह इसी तरह की खुदाई के बहाने हमारे देश की समृद्धि को लूटा गया है। अब बस हम कुछ ही दूरी पर हैं, बने रहिए है हमारे साथ। आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे साथ इतना समय व्यतीत किया। आगे भी बने रहिए, हम आपको भारत के ही नहीं दुनिया का आठवां अजूबा भी दिखाने वाले हैं जो बस थोड़ी सी दूर है। शायद ही आपने ऐसा अजूबा कहीं और देखा हो, तो बस उस अजूबे की खातिर रहिए हमारे साथ में। रास्ता पूछ लेना किसी से। हाँ हाँ पूछ लेना। हाँ रोड, अब हम किले के नज़दीक ही आ गए हैं, काफ़ी नज़दीक किला है। वैसे तो हमारे लेफ़्ट हैंड पे है, लेकिन इधर से गाड़ी नहीं जा सकती, तो हम घूम कर आएंगे। हमें रामनगर होते हुए आना पड़ेगा। हमें एक्सप्रेस वे लेना पड़ेगा। एक्सप्रेस वे पे ही गाड़ी हमारी चल पाएगी, क्योंकि हमारी गाड़ी क्या ये एक बड़ा वाला एरोप्लेन समझिए, क्योंकि ये तो हाईवे है, इन हाईवे पे नहीं चल सकती। तो इसलिए हमें आगे बढ़ता रहना होगा। बस कुछ मिनट का इंतज़ार और है, आप देखने जा रहे हैं भारत का ही नहीं दुनिया का आठवां अजूबा। उस अजूबे के आगे दुनिया के सातों अजूबे फेल हैं। ये तब तक हम जान लेते हैं प्राचीन शिव मंदिर के इतिहास के बारे में। मंदिर का इतिहास काफ़ी प्राचीन काल के समय का है। लगभग 300 साल पहले देवरी खुर्द निवासी काशीपति त्रिपाठी ने गौरी शंकर शिव मंदिर की स्थापना की थी। मान्यता है कि सबसे पहले यह मूर्ति डोहर नदी में मिली थी, जो मंदिर परिसर के सामने ही है। बताते हैं कि उस समय इस शिवलिंग को लोग उठा नहीं पा रहे थे, कोई पवित्र व्यक्ति ही इसे उठा सकता है। काशीपति त्रिपाठी ने डोहर नदी से निकालकर इस शिवलिंग को स्थापित किया। आज भी बसंत पंचमी पर यहाँ पर मेला लगता है और भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। आज भी इसका जो जलाभिषेक है वो हमारे पंडित जी श्रीमान काशीपति त्रिपाठी के और वंशज ही करते हैं। आगे चलकर इस मंदिर का निर्माण कार्य बड़हर रियासत की महारानी कुंवर वेद ने कराया। मंदिर के प्रथम पुजारी शिव चरणगिरी महंत थे, बाद में उनके शिष्य गोवदगिरी हुए, उसके बाद प्रतापगिरी मंदिर के पुजारी हुए, और वर्तमान समय में इनके वंशज ही मंदिर के प्रधान पुजारी हैं। गौरी शंकर मंदिर की अद्भुत शिवलिंग का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। 11वीं शताब्दी से पहले यह शिवलिंग अपने आप में आकर्षण का केंद्र था। शिवलिंग काले पत्थर और लाल पत्थर से मिलकर बना है। शिवलिंग में मां गौरी की आकृति उनके फेस और जटा से मां गंगा बहती धारा है, इसीलिए उस गांव का नाम गौरी शंकर पड़ा। बहुत ही सुंदर गांव है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मंदिर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मंदिर देखने के बाद आपका मन ही नहीं होगा कि आप वापस लौट कर जाएं।
मंदिर जाने पर ऐसी अनुभूति होती है मानो कि संसार का सारा सुख हमें यहीं मिल गया हो। मन को आनंद की प्राप्ति होती है। जो लोग भी यहाँ दर्शन करने आते हैं उनकी सभी मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। जो सच्ची श्रद्धा से आते हैं उनकी भी मन्नतें जरूर ही पूरी होती हैं। सावन के महीने में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु जो कांवर लेके आते हैं वो यहाँ जल चढ़ाते हैं। बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। यह सब भक्तों का प्यार ही तो है कि आपको जल चढ़ाने में भी दो दो तीन तीन घंटे लग जाएं। भक्त भारी संख्या में यहाँ पर उमड़ते हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है। मंदिर तो सभी बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन यहाँ पर जो भगवान शिव की मूर्ति है उसमें माता पार्वती भी साथ में है और करीब 300 से भी ज़्यादा साल पुरानी मूर्ति है। यह मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अब फ्रेंड्स हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। अब हम रामनगर के करीब पहुँच चुके हैं। आगे थोड़ा सा आगे बस रामनगर है। रामनगर में आज भी जैन धर्म के लोग बहुत निवास करते हैं। आसपास के लोग सही हैं लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। वो अपनी ही पुरानी स्मृतियों को मिटा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं हमने गाड़ी रोकी है। हमारे लेफ्ट में किला तो हमें दिख रहा है लेकिन वहाँ पर जो जाने के लिए रास्ता है वो हमारी वहाँ से गाड़ी नहीं जा पाएगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी गाड़ी जो है वो एक्सप्रेस वे से ही होकर गुजरेगी जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था किसी ज़माने में। तो अब भगवान जाने कि उस सड़क का निर्माण किसने कराया होगा। फिलहाल तो अभी हम चल रहे हैं बस थोड़ी सी दूर रह गया है। 5 मिनट का सफ़र और है फिर हम सुंदर एवं मनोरम दृश्य देखेंगे। आप सभी लोगों को बोरियत महसूस हो रही होगी लेकिन मुझे यहाँ के लिए वीडियो बनाने के लिए स्पेशल बहुत लोगों ने कहा था क्योंकि यह तीर्थ स्थल है तो उन्हें यह रास्ते भी जानने थे जिससे कि वो घूमने भी आ सकें। ये तीर्थ स्थल के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है इसीलिए लोगों ने काफ़ी प्रेशर किया कि आप अपने पड़ोस की वीडियो बनाइए तो हम यहाँ जा रहे हैं। तो अब हम इस रास्ते से रामनगर पहुँचेंगे और रामनगर के बगल से ही रास्ता है किले की तरफ जाने का। और रास्ते में ही जैसे ही हम रामनगर से किले की तरफ को बढ़ेंगे वहीं पे दुनिया का 8वां अजूबा भी मिलेगा आपको। आप देख रहे हैं चारों तरफ ये जो वृक्ष हैं ये उस ज़माने के ही जंगल के वृक्ष हैं। कुछ पेड़ अभी नए हैं लेकिन जो छोटे छोटे वृक्ष हैं जो छोटे हैं तो वो उसी ज़माने के वृक्ष हैं। और इसी तरह का पूरा जंगल चारों तरफ फैला हुआ है जिनको भी मैं आपको कैमरे में ज़रूर दिखाऊंगा। अब सामने रामनगर आ गया है। हम रामनगर पहुंच गए हैं। ये देखिए जैन अनुयायियों का मंदिर है ये। और यहीं जो राइट हैंड पे जो है वो कुआं है जिस कुएं का पानी कभी ख़राब नहीं होता और आज भी श्रद्धालु इस कुएं पे आके पानी पी के जाते हैं। तो देखिए रामनगर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम चलते हैं बड़े बड़े बादों के बीच।
दुनिया के 8वें अजूबे के लिए। ये मेन मंदिर है जैन धर्म अनुयायियों का। यहाँ भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ हमें कैमरा नहीं ले जाने दिया जाएगा और ना ही मोबाइल से हम यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, इसलिए ही हम आपको इसके अंदर के दर्शन नहीं करा पाएंगे। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि उस पर पहले से ही लिखा था कि फ़ोटो खींचना निषेध है। अब चलिए अब बढ़ते हैं 8वें अजूबे की तरफ। अब देखिए, अब हम प्रवेश करने वाले हैं उस रास्ते पर जिस पर कभी बहुत बहुत बड़े राजाओं ने राज्य किया था, पांडवों ने राज्य किया था, कौरवों ने राज्य किया था, जो हमारे गुरु श्री द्रोणाचार्य का भी राज्य था। अब बस थोड़े से ही आगे से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है और वहीं पर है दुनिया का 8वां अजूबा। ये हम लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं और अब हमें रास्ता पूछना पड़ेगा गाड़ी जा पाएगी या नहीं। तो लड़के ने हमें बता दिया है कि हाँ गाड़ी चली जाएगी, यही एक्सप्रेस वे है। अभी तो कुल मिला के ये सही है यहाँ। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब आप बहुत सुंदर दृश्य देखेंगे, क्योंकि अब मकान ख़त्म हो जाएंगे, अब बस जंगल ही जंगल सामने है। जंगलों का दृश्य जिसे भी पसंद आता है उसे यह वीडियो बहुत रोमांचित करेगा। यह हमारी पुरानी सभ्यताओं से जुड़ा वीडियो भी है और हमारे देश की सरकारों के लिए भी है, जिन्होंने कि इस जगह पर इतना विकास कार्य करवाया है। देखिए, हम इन्हीं चरवाहों की बात कर रहे थे। इन्हीं चरवाहों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर सिक्के मूर्तियाँ वगैरह मिल चुकी हैं और उन्होंने यहाँ उसे बेच लिया है। अब आप देखेंगे सामने लेफ़्ट हैंड पे एक पहाड़ी है, तो मैं अब उस तरफ कैमरा करता हूँ। आप उस पहाड़ी का ज़रा दृश्य देखिए, काफ़ी अच्छी पहाड़ी है, सुंदर लग रही है। लेकिन अफसोस, यहाँ पर कुछ मिट्टी की खुदाई भी कर ली है लोगों ने, मिट्टी का उठान हुआ है। बताइए, प्राचीन धरोहरों को नहीं बख्शा है तो ये लोग क्या बख्शेंगे। आप देख रहे हैं, अब हम पहाड़ों और मैदानों के बीच चल रहे हैं। अब आप 8वां अजूबा देखिए जिस पर हम चल रहे हैं। अब आप खुद देख के अनुमान लगा सकते हैं, ये भारत की वो गौरवशाली जगह की सड़क है जिस पर हमारे धर्म का सबसे बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है और उस इतिहास में हमारे भगवान श्री कृष्ण से लेके कौरव पांडव सभी लोग शामिल हैं और हमारे धर्म के बड़े बड़े गुरु भी शामिल हैं। आप देखिए, इसमें से आदमी पैदल नहीं निकल सकता और हमें मजबूरी में यहाँ से गाड़ी लेके जानी हो रही है। अब देख सकते हैं गाड़ी का एंगल क्या है। अब आप सोचिए, ऐसी सरकारों से हम और क्या उम्मीद लगा सकते हैं। फ़िलहाल तो ये सब शिकायतें छोड़ के अब आप खूबसूरती का आनंद लें सफ़र का, क्योंकि बहुत देर इंतज़ार करने के बाद। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ हमें भी नहीं पता है किला किधर है,
और ना दूर दूर तक कोई किला दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम रास्ते में भटक जाएं। लेकिन हाँ, लोग हैं, हम उनसे पूछ के आगे बढ़ेंगे। अभी तो फ़िलहाल एक ही रास्ता है, अगर आगे से रास्ते डिवाइड होते हैं तो हम ज़रूर लोगों से पूछेंगे। ये चरवाहे ज़्यादातर इसी जगह गाय भैंसे चराने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरिया भी काफ़ी है। और आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ लोगों ने खेती करनी भी शुरू कर दी है। तो कुल मिला के ये हमारी प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कदम ज़रूर उठाने होंगे। हमारी सरकार से आग्रह है कि हमारी धरोहरों को बचाए रखें। अब देखिए कितने ऊपर गाड़ी चढ़ी है, डर भी लग रहा है, लेकिन अच्छी किस्मत है कि बिल्कुल सही है अभी तक। तो खड्डे देख सकते हैं आप पास में, इतने गहरे गहरे खड्डे हैं, अगर पहिया उतर गया तो 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे गाड़ी बाहर निकालने में। अब देख सकते हैं साइड में खड्डा, और यही वो दुनिया का 8वां अजूबा है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अभी भी हमें किला नहीं दिखा है, और जैसा कि लोगों ने बताया कि थोड़े आगे चल के ही किला है, तो हम किले की तरफ ही बढ़ रहे हैं। देखते हैं अभी किला कितनी दूर है। हाँ, एक कुछ बिल्डिंग नुमा तो दिख रहा है। नहीं नहीं, ये तो हमें गाड़ी चढ़ानी है इधर। देखिए कितना कितना सुंदर दृश्य है इस रोड का। धन है ऐसी सरकार को जिसे हमने बनाया है। अभी तो फ़िलहाल हम जंगल में हैं, और ये जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा आस पड़ोस में कुछ भी नहीं दिख रहा, ना कोई इमारत दिख रही है। हाँ, कुछ पांडवकालीन ईंटें ज़रूर दिख रही हैं, जिस तरीके की ईंटों के बारे में मैंने आपको बताया था, वो यहाँ हर रास्तों से लेके आस पड़ोस में सब जगह बिखरी हुई हैं। ये हमारी बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, लेकिन हमें इसको इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए था। फिर भी हम आज इतना कदम तो उठा ही सकते हैं कि अगर ये बर्बाद हो रही है तो हम आज भी इसको संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संरक्षित हो पाएगी जब हम सच्चे दिल से प्रण लें कि हम यहाँ पर कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करेंगे। देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, रोड काफ़ी ख़राब है, वरना हम बहुत देर पहले ही पहुँच चुके होते। काफ़ी दिक्कत हो रही है गाड़ी को जाने में यहाँ से। आप देख रहे हैं और भी जो सामने से लोग आ रहे हैं, वो भी अभी दर्शन करके ही आए हैं। अब हमें सामने किला दिखने लगा है, और अब हम किले की तरफ को ही बढ़ेंगे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर दो किले हैं, एक तो बिल्कुल जर्जर है, उस पर घास उगी है, पेड़ उगे हुए हैं बड़े बड़े, और दूसरा थोड़ा सा संरक्षित है, उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि परीक्षण के नाम पर हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ निकाला ही जाता है। आपको निकालना है तो निकालिए, इसके लिए मना नहीं है, लेकिन कम से कम पुरानी धरोहर को तो नष्ट मत कीजिए। देखिए वो जो सामने दिख रहा है वो बंजर किला। आप रोड देख सकते हैं कितना बेहतर, एक्सप्रेसवे है, और हमारा जो मिग विमान आया है वो यहीं पर लैंड किया था सबसे पहले। ये भी हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के लिए बहुत ही अच्छी और दिखाने वाली चीज़ है कि देखिए आप जो विकास कर रहे हैं वो ज़मीनी तौर पर
यहाँ दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि किले पे चारों तरफ बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, तो वो कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो हम उधर तो नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ सांप कीड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ ना सफाई हुई है ना कुछ। तो हम बढ़ते हैं अब भीम की गदा वाले किले की तरफ, जिनका भी लोगों में अलग अलग मतभेद हैं। कोई कहता है कि ये भीम की गदा है, तो कोई कहता है कि ये शिवलिंग, पुराना जो शिवलिंग था उसका टूटा हुआ कुछ हिस्सा है। फिलहाल जब पुरातत्वविदों को ही नहीं पता तो हमें इस पर बहस करने से क्या फ़ायदा। फ़िलहाल मैं आपको दिखा दूँगा, आपके दिमाग में जो भी आता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। अगर मैंने आपको बोर किया हो तो आप वो भी रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। अब हम पहुंच चुके हैं बस, सामने बोर्ड लगे हुए हैं और शायद किला यहीं पे ही होगा। अब मैं बोर्ड पे पड़े निर्देश को पढ़ना होगा और तभी हम आगे बढ़ेंगे। इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि हाँ किला किधर है, और किले की जो खासियत है वो भी पता लग जाएंगी, और कुछ उल्लंघन संबंधी बोर्ड भी लगे होंगे उन्हें भी हम पढ़ेंगे। चलिए अब प्रस्थान करते हैं किले की तरफ। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस जगह आके, वास्तव में बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब सबसे पहले तो हम बोर्ड की तरफ जाएंगे, बोर्ड देखेंगे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। तो क्यों ना हम बोर्ड पढ़ लिया जाए। सही कह रहा है, बीजेपी हमारे इंजीनियर साहब हैं। संरक्षित स्मारक इस पर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी इसकी सुरक्षा तो कहीं भी नहीं है। चलिए जो भी हो हमें क्या करना, यही बोल सकते हैं ना हम, लेकिन ऐसा नहीं है। जो करना है हमें ही करना है। अगर हम ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा। तो अब हम पैदल रास्ते से बढ़ चले हैं आगे के लिए। आगे का जो रास्ता है वो पैदल ही है, तो इस पैदल रास्ते से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ और भी लोग हैं जो दर्शन करने आए हुए हैं। तो चलिए अब बिल्कुल सामने ही है, बस थोड़ा सा दूर हमें और चलना होगा। ये बंदर हैं, पता नहीं यहाँ कोई गाइड भी नहीं है, वरना हम उनसे पूछ लेते कि ये कितने पुराने मंदिर हैं, और इनकी बनावट से देख के लगता है कि इनका निर्माण हाल ही के कुछ सालों में हुआ है। और ये मेरी भतीजी है, ये बहुत ही शैतान है, इसकी शैतानियाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। अब हम आ चुके हैं रामनगर किले पे, अब हम आ जाएंगे ऊपर जाएंगे। हाँ अब हम रामनगर किले पे, गाइस आप देख सकते हैं हम अब रामनगर किले के पास आ चुके हैं, और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, इस वजह से यहाँ पे वीडियो शूट करना भी काफ़ी मुश्किल है। हाय गाइस, हम आ चुके हैं रामनगर किले पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रामनगर का किला है, और जो ऊपर जहाँ पे आपको लोग दिखाई दे रहे हैं वो उस जगह, वहाँ पे भीम की गदा है जो महाभारत के काल की है और काफ़ी प्राचीन है। तो आज हम आपको यही सब चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ और भी बहुत सी इमारतें हैं, काफ़ी जगह में फैला हुआ ये क्षेत्र है, लेकिन ज़्यादातर इमारतें यहाँ की खंडर हो चुकी हैं, और जो यहाँ प्रसिद्ध इमारत है वो यही है, और एक इमारत इसके ठीक पीछे थी लेकिन वो काफ़ी खंडर है, वहाँ तक जाने का कोई सही रास्ता वगैरह नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भीम की गदा दिखाने।
तो भाई आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अब ये सिर्फ कैमरे से क्या कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं भाई, मुझे भी सिक्के चाहिए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ सिक्के। वीडियो तो लगी ही रहेंगी, कम से कम कोई सिक्का तो खोज लूँ मैं तो चारों तरफ। बस मैं तब से चारों तरफ घूम रहा हूँ, शायद प्राचीन काल की कोई चीज़ मुझे मिल जाए और मैं उसे देखूँ। वैसे भी मैंने सिर्फ म्यूज़ियम में ही देखी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर बहुत से लोगों को बहुत सी प्राचीन चीज़ें मिली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की ईंटें, कितनी कितनी चौड़ी ईंटें हैं यहाँ की। और ये है रास्ता, तो मैं अब इस समय किले पर ही घूम रहा हूँ। तो अब हम चढ़ेंगे किले के रास्ते से, अब हम ऊपर चढ़ के जाएंगे किले के रास्ते से, किले पर पहुँचेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो भीम की ऊपर जो गदा है, या आप उसे भीम की गदा कहिए या भगवान शिव का शिवलिंग, जो भी हो हम आपको उसके दर्शन कराएंगे और दर्शन हम भी करेंगे। तो प्लीज़ बस बने रहिए हमारे साथ। अब हम ऊपर की ओर चढ़ने वाले हैं। हम ऐसा है, हमारे साथ के कुछ लोग हैं जो महिलाएं हैं, वो इस रास्ते से नहीं चढ़ सकती, तो वो खोज रहे हैं कि शायद किधर से भी दूसरा रास्ता हो जहाँ से ये लोग चढ़ पाएँ। तो इनके लिए रास्ता ढूंढना होगा, शायद रास्ता मिल चुका है अब। हाँ, रास्ता देख रहे हैं ये लोग, देखते हैं तब तक। आप देख रहे हैं यहाँ पर ईंटों का क्या हाल है, और नीचे ईंटें देख रहे हैं आप, एक के ऊपर एक लगा रखी हैं। पता नहीं बच्चों ने किया है या किसी बड़े की शैतानी, फिलहाल जो भी हो इन चीज़ों को डैमेज करने के सिवा कोई और काम नहीं है। ये बस इन चीज़ों को डैमेज ही किया जा रहा है। और आप इस जगह की जो हालत देख रहे हैं, आप खुद ही समझ रहे होंगे ये कितनी बदतर है। क्या इतनी ऐतिहासिक इमारत को इस तरह का होना चाहिए? तो चलिए अब हम चढ़ते हैं किले के ऊपर। ये अब हम चढ़ने जा रहे हैं रामनगर के किले पे। चलिए चढ़ाई आरंभ करते हैं। और देख रहे हैं आप, यहाँ चढ़ने के लिए भी काफ़ी पतली सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि हम पिछली तरफ से चढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर चढ़ने की भी कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है। पीछे सीढ़ियाँ हैं शायद, लेकिन मैं यहाँ अभी पहली बार आया हूँ तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं तो हम सोच रहे हैं कि यहीं से चढ़ा जाए। और मेरे तो हिसाब की हैं सीढ़ियाँ, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी कठिनाई ज़रूर हो रही है। बिल्कुल छोटी छोटी, यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है, यहाँ पैर नहीं रख पाएंगे। अब इधर से चढ़ना है। और अब हम आ गए हैं रामनगर के किले के ऊपर। आप देख सकते हैं ये भीम की गदा है, और ये काफ़ी समय पुरानी है। हम ले तो रहे हैं क्यों? अरे यार, हमारा भी नाम लिखा होगा यहाँ पे। आपने ज़्यादातर ऐसी चित्रकारियाँ तो ज़रूर देखी होंगी अगर आप किसी शौचालय, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर गए होंगे, लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये ऐसी चित्रकारियाँ इस भीम की प्राचीन गदा पर भी हैं, जो कि लोगों का टैलेंट दिखा रही हैं। यहाँ के टैलेंटेड लोग और उनकी की गई चित्रकारियाँ। अरे मेरा नाम कहीं नहीं है, इसमें पूरी दुनिया का नाम है। सकते हैं चलने वालों को कितनी दिक्कत हो रही है।
बहुत ऊंचाई है यहाँ से। वो भी ऊपर आओ, देखिए बच्ची शैतानी कर रही है यहाँ पे। ये सब जंगल का इलाका है फैला दूर दूर तक, मुझे खुद नहीं पता कि कितने एकड़ में फैला है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक जंगल ही जंगल है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जंगल ही जंगल। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम निकलते हैं। अब यहाँ हम घूम चुके हैं, अब हम अयस्थ जैन मंदिर चलेंगे जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अभी तो फ़िलहाल हम किले से जा रहे हैं, इधर से सीढ़ियाँ हैं, हम गलत जगह से चढ़े थे। शायद इधर से चढ़े होते तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। आप देख सकते हैं ये बहुत ही पुराना है। और चलिए अब दर्शन करते हैं उस कुएं के। ये बहुत ही प्राचीन कुएं का पानी आज भी पीने लायक है। कभी पानी खराब नहीं होता, इतना गहरा है इस कुएं का। कभी पानी खराब नहीं होता, ये रामनगर में भी पीने लायक है। अब देख सकते हैं लोग पीते गहरा है इस कुएं से पानी निकाल कर, लोग आज भी पीते हैं। तो आप थक गया कभी इस कुएं पे आए हैं? और अब हम आ गए हैं गौरी शंकर बुढ़िया सर मंदिर पर। यही वो प्रतिमा है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। यह मंदिर 300 साल पुराना है। इसमें एक साइड से माता पार्वती का चेहरा उभरा हुआ है और एक साइड पे भगवान शिव जी का। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।